हमेशा अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा में जिला कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता, पारस हॉस्पिटल को लेकर प्रशासन को बड़ी चेतावनी, पीड़ितों को कांग्रेस दिलाएगी न्याय। पारस को क्लीन चिट मिलने के बाद कांग्रेस जिला मुख्यालय पर कल करेगी जोरदार प्रदर्शन, जिला मुख्यालय को होगा घेराव। सत्ता पक्ष के दबाव में प्रशासन ने दी क्लीन चिट, कांग्रेस ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस ने पारस के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने की भरी हुंकार। आगरा से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। पारस हॉस्पिटल का मामला आपके सभी के संज्ञान में है। इस तरह से 22 मौतें जो हुई थी उसमें से करीब 15-16 तो सामने आ चुकी हैं। उसी संदर्भ में जो कल क्लीन चिट का मैसेज आया है कि क्लीन चिट डीएम साहब ने दे दिया है, किससे जांच कराई किससे जांच नहीं कराई, जब 323 324 की भी क्या कहते हैं अगर जाँच होती है तो वो भी महीनों लंबित रहती है, जिसमें जघन्य अपराध जितना बड़ा हुआ है, जिसमें मौतें हुई, जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, मॉकड्रिल हुआ, जो कि मॉकड्रिल आज की तारीख में हमने तो कभी साइंस में सुना नहीं है कि मेडिकल साइंस में कहीं मॉकड्रिल होता हो, उसके बावजूद भी इतनी जल्दी क्लीन चिट दे देना हमारी समझ से बाहर है। जो कि जनता और हम और पीड़ित भी हमारे साथ में हैं, कुछ आएंगे, उन लोगों का कहना ये है कांग्रेस की तरफ से कि जब तक इसमें सही न्याय नहीं मिलेगा, दोषी लोग जेल नहीं चले जाएंगे, चाहे दोषी कोई भी हो, तब तक हम लोगों के आंदोलन चलते रहेंगे। किस तरीके से आगे इसको लेकर के कांग्रेस क्या करेगा? कांग्रेस का कल का कार्यक्रम है, डीएम साहब के आवास पे या डीएम साहब के कार्यालय पे हम लोग जाएंगे और अपनी बात कहेंगे और उसकी निष्पक्ष जाँच की मांग करेंगे। पहले भी हम क्या कहते हैं ज्ञापन दे चुके हैं डीएम साहब को, राष्ट्रपति के नाम डीएम साहब के द्वारा, उस मांग को ही लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि उसमें हमारा जो है, जैसे हमने वो फॉरेंसिक जांच के लिए मांग की थी, सीसीटीवी कैमरे की मांग की थी कि जिस समय जांच शुरू हुई कितने दिन से सीसीटीवी कैमरे जब्त किए गए, या जो रजिस्टर थे वो रजिस्टर कैसे जब्त किए गए, या जो मॉकड्रिल हुई उसकी जानकारी डिपार्टमेंट को, संबंधित डिपार्टमेंट को थी या नहीं थी, या आला अधिकारियों को थी या नहीं थी, और किसी के ऊपर प्रैक्टिकल जब किया जाता है तो उससे भी पूछ लिया जाता है कि आपके ऊपर मॉकड्रिल के लिए प्रैक्टिकल किया जा रहा है, तो जो पेशेंट थे उनसे भी पूछा गया, उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया नहीं लिया गया। बेसिकली ये मामला जो है किसी की जान का मामला था, तो डॉक्टर लोग पहले से लिखा लेते हैं, कहीं ऑपरेशन होता है तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, तो उसी संबंध में हम लोग कल धरना दे रहे हैं डीएम कार्यालय कलेक्टर। क्या लग रहा है आपको जो जांच रिपोर्ट आई है लीपा पोती की गई है, किस तरीके से मान रहे हैं इसको? नहीं, लीपा पोती का विषय नहीं है, विषय ये है कि उसकी जांच उच्च अधिकारियों के द्वारा की जानी चाहिए। हमारी मांग ये थी कि मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच होनी चाहिए या फिर जुडिशियल का कोई रिटायर्ड जज वगैरह जैसा तरीका जो होता है वो उससे होनी चाहिए, और कुछ जो पीड़ित हैं वो लोग उसकी सीबीसीआईडी की मांग की जांच कर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो उसमें अब उल्टी जाँच जो शुरू हो रही है, जिसने ये लीक किया उसके खिलाफ होना चाहिए, ये होना चाहिए, सही सही जाँच पर क्यों नहीं आते ये लोग? हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इसकी जांच निष्पक्ष किसी उच्च अधिकारी के द्वारा कराई जानी चाहिए। इतनी जल्दी 323 324 की भी जांच नहीं होती है जितनी जल्दी इन्होंने जघन्य अपराध की जांच करके क्लीन चिट दे दी। आगरा के पारस हॉस्पिटल में नितिन शर्मा द्वारा जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था आपके साथी द्वारा, उसके संबंध में हमने स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर न्यू आगरा थाने में मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी। जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम, इसकी जांच उच्च न्यायालय के किसी रिटायर्ड जज से कराई जाए। जैसा कि आपको भी पूर्व से ये पता था और हमें भी ये एहसास था कि इस मामले में पूरी तरह लीपापोती होगी, क्योंकि इससे पूर्व भी पारस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई हुई और कितनी जल्दी इसके खिलाफ कार्रवाई को क्लीन चिट दी गई और फिर पुनः वो प्रक्रिया अपनाई गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का उन्हें संरक्षण प्राप्त है और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी हो सकता है। ये राम मंदिर की जमीन को बेच सकते हैं, ये 22 मौतों पर हत्या का मुकदमा दर्ज न करके उसको क्लीन चिट दे सकते हैं,
लेकिन कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी इस मुद्दे में चुप नहीं रहेगी और पूरी तरीके से जो संलिप्त अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये बड़ा अभियान छेड़ा जाएगा। उसी कड़ी में कल 11 बजे आगरा कलेक्ट्रेट में जिला और शहर कांग्रेस के नेतृत्व में एक जोरदार प्रदर्शन इसके खिलाफ किया जाएगा कि आगरा में किसी प्रकार की इस तरीके की जघन्य अपराध को छिपाने का काम चाहे प्रशासन करे चाहे भारतीय जनता पार्टी करे, कांग्रेस का मुंह तोड़ जवाब देगी और कांग्रेस शासन प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देगी। इसलिए हमारा कल का ये कार्यक्रम 11 बजे जोर शोर से होगा जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व। इसके लिए आज हम सभी को आमंत्रित किया गया है और आपको पूरी तरह ये जानकारी है, आपसे कुछ नहीं छुपा है कि जो कुछ हुआ है सब आपके सामने। आगरा की जनता में भी बड़ा रोष है इस बात का कि ये हुआ है जो बहुत प्रशासन ने बहुत गलत किया है। प्रशासन इस बात को मानने की तैयार नहीं, किस क्या मानते हैं? प्रशासन तो शासन और सत्ता के सहारे पे चल रहा है। इस सरकार में चाहे केंद्र की सरकार राफेल में घोटाला करे तो जो बड़े मीडिया उनके मुंह लगे हुए वो कुछ नहीं बोलता है। रक्षा मंत्रालय से